प्रभु के चरणों में दास का प्रणाम। माता पार्वती और बालक गणेश को भी शत शत प्रणाम। भगवान, आपके चरणों में एक निमंत्रण लेकर आया हूं। कैसा निमंत्रण? मेरी प्रार्थना है कि आप सब मेरे महल में पधारें और भोजन ग्रहण करें। ये हमें भोजन का निमंत्रण देने के बहाने अपने धन और वैभव का प्रदर्शन करने आया है। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें प्रभु। क्षमा करें महाराज कुबेर, कैलाश पर्वत छोड़कर आना मेरे लिए असंभव है। और पतिदेव के बिना मेरा आना भी संभव नहीं होगा। तो क्या स्वयं भगवान के घर से मुझे निराश लौटना पड़ेगा? नहीं महाराज, आप जब इतने प्रेम से निमंत्रण लेकर आए हैं तो आपका निमंत्रण हमें स्वीकार है। आप बालक गणेश को ले जाएं। इसे स्वादिष्ट भोजन बहुत प्रिय है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। चलिए श्री गणेश। आज्ञा पिताश्री। अंदर चलिए गणेश। Ha ha ha!
चलिए श्री गणेश। अब कहां से लाऊं? पूरे शहर का भोजन तो चट कर दिया आपने। मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारा अतिथि हूँ, मेरी भूख शांत करना तुम्हारा कर्तव्य है। भोजन लाओ वरना मैं तुम्हें खाऊंगा। भाग गया, अब मैं क्या खाऊं? दुहाई हो प्रभु, दुहाई हो। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। क्या हुआ महाराज कुबेर, इतना घबराए हुए क्यों हैं आप? प्रभु, आपसे क्या छिपा है? आपके पुत्र गणेश की भूख शांत नहीं हो रही है, वो मुझे खाने की धमकी दे रहे हैं। अरे भाई, आप तो धन और ऐश्वर्य के मालिक हैं, एक बच्चे को पेट भर भोजन नहीं खिला सकते। मुझे क्षमा करें देव, मैं अभिमानवश आपको निमंत्रण देने आया था, परंतु श्री गणेश जी ने मेरा अभिमान चूर चूर कर दिया। चलिए अच्छा हुआ, आपको अपनी गलती का एहसास तो हो गया। धन धान्य से संपन्न व्यक्ति को फलों से लदे पेड़ की तरह होना चाहिए, जो हमेशा झुका रहता है। Yeah.
गणेश जी की जय हो। प्रभु, मैं एक कटोरी भात लाया हूँ, इसे भी ग्रहण करें। इतने से भात से मेरा क्या होगा, पर लाओ। वाह, बड़ा ही स्वादिष्ट भात था, मेरा पेट भर गया। धन्य हो प्रभु, शायद मैं अतिथि सत्कार अच्छी तरह नहीं कर पाया, मुझे क्षमा करें। कोई बात नहीं, फिर किसी दिन मुझे खाने पर बुला लेना। नहीं, क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। प्रभु, तारकासुर ने कार्तिकेय को हराने के लिए कैलाश पर्वत पे आक्रमण कर दिया है। भगवान शंकर भी नहीं है, हम क्या करें? घबराओ नहीं, इस तारकासुर का वध हमारे प्यारे भाई कार्तिक के हाथों से ही होगा। हम युद्ध में कैलाश में रहकर अपने भाई का साथ देंगे। आओ अनुज, इस सृष्टि को तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने का वक्त आ गया है। जो आज्ञा भैया, आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी इस पापी को उसके कर्मों का दंड देकर इस धरती को उसके पापों से मुक्त करवाता हूँ। ऐसा बालक मेरा क्या अवध करेगा, इसको तो मैं चींटी की तरह मसल के रख दूंगा। इसके लिए तो मेरा एक दैत्य सैनिक ही काफी है। हंस ले अहंकारी मूर्ख, मृत्यु से पहले जितना हंसना है हंस ले, क्योंकि आज के बाद ना तू रहेगा और ना तेरी हंसी। तेरी ये मजाल मायावी बालक, अभी मैं तुझे और तेरे मुट्ठी भर गनों को मजा चखाता हूँ। आक्रमण!
नंदी महाराज, बस ऐसे ही झुलाते रहो, बहुत आनंद आ रहा है। काश मेरा मूषक यहाँ होता। मैं तो यहाँ हूँ। जैसे वो मुझे अपनी पीठ पर घुमाता है, वैसे ही मैं उसको इस झूले पर झुलाता। क्या बात है। प्रभु, मैं यहाँ नीचे हूँ और मुझे मालूम है कि आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। बालक गणेश। हाँ नंदी। लगता है कहीं से मूषक की आवाज आ रही है, मगर दिखाई नहीं दे रहा है वो। मूषक, अरे कहाँ हो भाई, दिखाई नहीं दे रहे। बाल गणेश आपको बुला रहे हैं। मैं कोई पंछी हूँ जो सब मुझे ऊपर ढूंढ रहे हैं? अरे चूहे महाराज, आपने कहीं हमारे मूषक राज को तो नहीं देखा? कुछ कुछ आप जैसे ही दिखते हैं। अरे ये तो अपना मूषक ही है। नंदी, उसे ऊपर आने दो। हाँ हाँ। मूषक ऊपर आ जाओ। आ जाओ, जल्दी आओ। चलो, आखिर आपने मुझे देख लिया गणेश जी, यहाँ ऊपर आ जाओ। अरे नंदी जरा धीरे, मूषक जल्दी आओ ना। आ रहा हूँ। देखो कितना मजा आ रहा है। मोटे, कोई बात नहीं, सब लोग खुश हो लो, तुम सबको देख लूंगा मैं। प्रभु। हाँ मूषक। आज सुबह से इतने लोगों के होते हुए मैं ही बुद्धू बनाने को मिला था। मैं जा रहा हूँ, जब आपको सवारी करने का मन करे तो बुला लेना, क्योंकि मैं जानता हूँ आपको मेरी सवारी का आनंद किसी भी झूले की सवारी से ज्यादा आएगा। ओहो, बुरा मान गया। किसी को मेरी परवाह नहीं, जब देखो मजाक उड़ाते हैं। अरे मूषक रुको। तुम तो नाराज हो गए। कभी कभी हंसी मजाक करना चाहिए, इससे दिन अच्छा बीतता है। तुम्हारी सवारी और माँ के हाथों के बने मोदक से ज्यादा मुझे कुछ प्यारा नहीं है। मैं नहीं रुकता, मैं जा रहा हूँ। क्या हो गया मूषक, क्या हुआ? वाह, अरे मूषक इतने डरे हुए क्यों हो? प्रभु अरे मूषक क्या हुआ? अभी तो बड़ा मुंह फुला कर गया था, बड़ी जल्दी वापस आ गया।
वो भी चिल्लाते हुए। प्रभु आज कल लगता है दिन ही खराब है। पहले आप सबने नचाया और हम करने उतर गया तो एक बिल्ली ने भगाया। प्रभु उधर एक बहुत बड़ी बिल्ली है। बिल्ली से डर गया? चलो मैं देखता हूँ किस बिल्ली ने मेरे प्यारे मुशक को डराने की हिम्मत की है। अभी उसे मजा चखाता हूँ। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, आप ही जाइए। मुशक बिल्ली से डर गया? मुशक बिल्ली बिल्ली बिल्ली। अरे अरे क्या कर रहे हो मुशक राज? बालक गणेश आप अपने इस मुशक और उसको डराने वाली बिल्ली को संभालिए। भोलेनाथ शिव शंकर का समाधि से उठने का वक्त हो गया है, मुझे उनको कैलाश की सवारी कराने ले जाना है। मैं जा रहा हूँ। ठीक है नंदी तुम जाओ। देखते हैं कौन सी बिल्ली है जिसने मेरे मूषक को डराया है। मूषक कहाँ है वो बिल्ली? सब लोग उस बिल्ली को ढूंढो। कहाँ गई वो बिल्ली? कहाँ है? कहाँ गई? मुझे नहीं बिल्ली को ढूंढना है। कहाँ गई? वो रही, पकड़ो उसे। आ जाओ सब लोग। तो तुम हो वो बिल्ली जो मेरे प्यारे मूषक को डरा रही थी। रुक पकड़ी गई। अभी तुझे ठीक करता हूँ। वैसे भी आज मेरा मन खेलने को कर रहा है, तो क्यों ना तुम्हारे साथ ही खेला जाए। ओहो मुझे देखकर भोली बन रही हो, अब तो तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुमने मेरे प्यारे मूषक को डराया, अब मैं तुम्हें मजा चखा कर ही रहूंगा। मूषक चुप मूषक, अभी तो मुझे इसके साथ और खेलना है। म्याओ म्याओ क्या कर रही है? अब तक तो गए काम से।
अच्छा क्या बोली? अच्छा अच्छा अरे मूषक, ये बिल्ली कह रही है कि उसको नहाना है। नहलाओ नहलाओ। क्यों ना इसकी इतनी छोटी सी इच्छा पूरी कर दे। पूरी करो पूरी करो। उसे सबक सिखाओ। याद रहे, अब से किसी चूहे को डराने की कोशिश बिल्कुल मत करना। आजा आजा आजा, मैं करता हूँ ना तुम्हारी मदद। आजा। अब जो तुमने सबक सीख लिया है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। क्या हुआ, थक गई हो क्या? बस इतना ही खेलोगी? अगर दोबारा तुमने ऐसे किया तो तुम्हें ऐसे ही सबक सिखाना पड़ेगा। अगली बार तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अब जाओ यहाँ से और किसी चूहे को मत डराना। चली गई। सबक सिखाते सिखाते तो मुझे भूख लग गई है। चलो मूषक, चलकर माँ के हाथों से बने मोदक खाते हैं। मोदक मोदक। मजेदार बात मोदक खाते खाते बतानी है। माँ, आपका ये हाल किसने किया है? मुझे उसका नाम बताइए, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुपा हो। तुमने? मैंने? हैं? आपने? हाँ, तुमने। माँ, ये आप क्या कह रही है? हाँ। माँ, मैं तो आपको कभी सपने में भी दुख पहुँचाने की नहीं सोच सकता। बेटा। हाँ माँ। आज जो तुम लोगों ने एक बिल्ली को सताया, वो बिल्ली मैं ही थी। आप? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? और माँ, मैं बिल्ली को सता नहीं रहा था, उसने मूषक को डराया इसलिए उसे सबक सिखा रहा था। जी हाँ। तुम तो चुप ही रहो। चुप चुप। मुझे मालूम है कौन कौन लोग ये तमाशा देखकर खुश हो रहे थे। लेकिन माँ, गणेश, इस धरती पर जितने भी मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राणी हैं, वो सभी भगवान के बनाए हुए हैं, और मैं किसी न किसी रूप में हर असहाय जीव में समाई हूँ। अगर तुम किसी भी असहाय जीव को कष्ट पहुँचाते हो तो वो दुख मुझे होता है। आज तुमने एक बेचारी, अकेली, कमजोर बिल्ली के साथ जो कुछ भी किया, वो सब कुछ मेरे साथ भी हुआ है। आज तुमने अपनी माँ को बहुत कष्ट दिया है बेटा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है माँ। मेरा सबक सिखाने का तरीका गलत था। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अनजाने में मैंने आपको इतना दुख पहुंचाया। आप सही कहती हैं, अपनी खुशी के लिए किसी और को तंग करना गलत है। मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद किसी और कमजोर को तंग नहीं करूंगा, बल्कि उसकी मदद करूंगा। हाँ, मैं भी। Yeah.
बेटा, मुझे खुशी है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और अब तो मेरा प्यारा बेटा बेसहारा जीवों को सहारा देगा। लेकिन ये सब भूखे पेट कैसे होगा? चलो चलो, पता है मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे मोदक बनाए हैं, खाओगे नहीं? मोदक के लिए हमने कभी ना कहा है। ये देखो, ये सब तुम्हारे लिए। माँ, आप कितनी अच्छी हो माँ। ब्रह्म देवाय नमः। ओम 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 ब्रह्म देवाय। आंखें खोलिए मुनिवर, कहिए क्या चाहते हैं आप? प्रणाम ब्रह्मदेव, क्षमा करें आपको यहां आने का कष्ट दिया, लेकिन समझ में नहीं आता क्या करूं। कोई बात नहीं मुनिवर, आप बेझिझक अपनी बात कहिए। मैंने एक बहुत बड़े ग्रंथ को कविताओं और छंदों में लिखने की तैयारी की है, लेकिन मुझे उसको लिखने के लिए एक ऐसे बुद्धिमान इंसान की जरूरत है जो मेरी सोचने और बोलने की गति से बिना रुके उसे लिख सके, क्योंकि अगर मैं बीच में रुक गया तो मैं छंद भूल जाऊंगा और ये ग्रंथ कभी पूरा नहीं हो पाएगा। आप कैलाश पर जाइए और भगवान शिव शंकर से मिलिए, वो ही इस काम में आपकी मदद कर सकते हैं। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। तथास्तु। ऋषि व्यास यहां? भोलेनाथ की जय हो। माता पार्वती को भी शत शत प्रणाम। आपका कल्याण हो मुनिवर। भगवान, अब हमें अपनी दिव्य दृष्टि से आपके यहां आने का कारण मालूम हो गया है। चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का हल है हमारे पास। गणेश। बालक गणेश? हाँ मुनिवर, हमारा बाल गणेश। नंदी, जाओ बालक गणेश को बुला कर लाओ। जो आज्ञा भोलेनाथ। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मूषक जी, क्या कर रहे हो? प्रभु, काफी मुश्किल शब्द है, लेकिन फिर भी पढ़कर ही दम लूंगा। आखिर दुनिया के सबसे बुद्धिमान भगवान का वाहन जो हूँ, अब तो ये मोदक भी ये शब्द पढ़ने के बाद ही खाऊंगा। तब तो लगता है तुम्हें भूखे ही रहना पड़ेगा मेरे बुद्धिमान मूषक। हाँ। वो क्यों? ठीक है, अभी पढ़ता हूँ। अरे बुद्धू, तू सीधा अक्षर ढंग से नहीं पढ़ सकता तो उल्टा क्या पड़ेगा? अब पढ़ो।
रहने दीजिए प्रभु, पहले मोदक खाता हूँ फिर पढ़ लूंगा, यानी कोशिश करूंगा, क्योंकि सीधा होने के बाद तो ये और भी कठिन लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़ना सिखा दूंगा। ये पढ़ो, माता पिता को कोटि कोटि प्रणाम। माता पिता को कोटि कोटि प्रणाम। ये ठीक है, अब तुम ऐसे ही पढ़ते। प्रणाम गणेश। कैसे हो मूषकराज? अच्छा हो। अरे नंदी, तुम भी क्या मूषक की तरह कुछ पढ़ने आए हो? नहीं नहीं बालक गणेश, पढ़ने का काम मूषकराज पर ही छोड़ देते हैं। मैं तो ये कहने आया था कि भोलेनाथ ने आपको अभी बुलाया है। पिताजी ने बुलाया है, चलो। पढ़ना तो मैंने सीख लिया, चलो अब मोदक खाता हूँ। प्रभु तो जा रहे हैं। रुकिए प्रभु, रुकिए, मैं भी आता हूँ। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माँ। मुनीवर, आप यहाँ? बेटा गणेश, मुनीवर एक काव्य ग्रंथ लिखने जा रहे हैं, जिसके लिए उनको एक बुद्धिमान और तेज गति से लिखने वाले की जरूरत है, और तुमसे बेहतर इस काम को और कोई नहीं कर सकता। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी, चले मुनीवर। चलिए। प्रणाम प्रभु। प्रभु कहो ना उनसे। मुनीवर जी, ग्रंथ तो मैं आपका लिख दूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त हो सकती है? आप बिना रुके मेरे लिखने की गति से बोलते रहेंगे। अच्छा, अगर आप जरा सांस लेने के लिए भी रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। ठीक है गौरी नंदन, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जो भी छंद बोलूंगा उसका मतलब समझने के बाद ही आप उसे लिखेंगे। समझने के बाद? इसी बहाने जब मैं थक जाऊंगा तो मैं गणेश जी को कोई मुश्किल छंद दे दूंगा, जिसका मतलब समझने के लिए उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा, और तब मैं सांस लेकर आराम कर लूंगा। मुझे स्वीकार है। सोच क्या रहे हैं मुनीवर, शुरू करें? शुरू करते हैं बाल गणेश। ये लीजिए। हाँ
तेरा तो ग्रंथ पूरा ही नहीं होगा। गणेश, बेटा गणेश, तुम्हारा ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मुशक जी प्रभु, आखिर ये ग्रंथ पूरा हुआ। लीजिए मुनिवर, ग्रंथ पूरा हो गया। गणेश जी, ये ग्रंथ आपकी बुद्धिमानी, लगन और त्याग से ही पूरा हो पाया है। आपके सिवा पूरे विश्व में ऐसा और कोई नहीं जो इसे पूरा कर पाता। धन्यवाद गणेश जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। गणपति बप्पा। देखते हैं हिमालय की चोटी पे पहले कौन पहुंचता है। तुझे तो मैं हरा के रहूंगा। टक्कर क्यों मार रहे हो? टक्कर? अरे सबके सब कहाँ रह गए? मुझे कुछ टक्कर मार के गिराने की कोशिश कर रहा है। बस वहाँ पहुँचते ही जीत जाऊंगा। मूसा कृत्या आ गए। टक्कर का जवाब टक्कर से। मुझे गिराता है? अभी देख मैं कैसे मजा चखाता हूँ तुझे। प्रभु मैं आ रहा हूँ। क्यों मूषक राज, पुरानी यादें फिर से ताजा हो रही है क्या, जो सबको राक्षस की तरह टक्करे मार रहे हो? याद है वो दिन जब तुमने सब तरफ तबाही मचा दी थी और मुझसे भी लड़े थे? कैसे भूल सकता हूँ। आंखें खोलो गजमुखासुर, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं।
मांगो, क्या मांगना चाहते हो? आपके दर्शन पाकर मेरा तो जीवन ही सुधर गया भोलेनाथ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि कोई भी देवता, मनुष्य, दानव या जानवर मुझे हरा न सके। तथास्तु, ऐसा ही होगा गजमुखासुर। लेकिन अपनी शक्ति का कभी भी दुरुपयोग मत करना, नहीं तो फिर से सब देवता कहेंगे कि शिव शंकर जल्द ही प्रसन्न होकर राक्षसों को वरदान दे देते हैं। नहीं नहीं प्रभु, मैं तो अपनी शक्ति का उपयोग केवल लोगों की भलाई के लिए ही करूंगा। मैं आपका दास हूं, हमेशा आपके आदेश का पालन करूंगा। तुम्हारा कल्याण हो गजमुखासुर। भोलेनाथ, आप सचमुच भोले हैं। मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन क्या करूँ, कभी कभी गलत काम भी हो जाते हैं। राक्षस जो ठहरा। भगवान की पूजा कर रहे हो? गजमुखासुर, भागो! जाओ राक्षसों, सबको बंदी बना लो। आज से सिर्फ मेरी पूजा होगी, किसी को मत छोड़ना। देवगण, मैं आ रहा हूँ। हाँ, ये क्या? देवगण को भी बंदी बना लो, एक भी देव छूटने न पाए। ओम। भोलेनाथ ने मुझे वरदान दिया है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गणेश बेटा, आज इतने चुप क्यों हो? प्रभु, प्रभु, प्रभु। नंदी, क्या बात है नंदी? भोलेनाथ, भोलेनाथ, देवतागण आपसे मिलने आए हैं, काफी डरे हुए हैं। डरे हुए? प्रणाम भोलेनाथ। दुहाई हो भोलेनाथ, आपके दिए हुए वरदान से गजमुखासुर और भी घमंडी हो गया है। क्या? और वो बिना किसी बात के सब तरफ अपनी मनमानी कर रहा है, किसी पर कभी भी आक्रमण कर देता है। पूछिए, पूछिए वरुण देव से। हाँ, अरे वरुण देव कहाँ रह गए? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए देवराज। गजमुख ने मुझसे वादा किया था कि वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा। वरुण देव, ये इन्हें किसने? भूखा। अरे ये पहाड़ टूटने की आवाज कैसी? ये देवगण साथ में भूकंप लेकर तो नहीं आए हैं? गणेश, ऐसे नहीं कहते बेटा। अब तो विश्वास हो गया आपको, ये सब कर रहा है आपका चहेता गजमुखासुर। प्रभु आप भी ना बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जिसका डर था वही हुआ। इस गजमुख ने मेरी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। आप लोग चिंता ना करें, उसे मैं अवश्य ही सबक सिखाऊंगा। बेटा गणेश। जी पिताजी। उस दुष्ट गजमुख को तुम ही सबक सिखा सकते हो। जाओ, जाओ और उसको उसके बुरे कर्मों की सजा दो। जो आज्ञा पिताजी, आप जरा भी चिंता ना करें, मैं अभी उस पापी की अकल ठिकाने लगा कर आता हूँ। हाँ? मगर प्रभु, ये अकेला कैसे? रुकिए गणेश, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। हाँ गणेश, नंदी और गणों को अपने साथ ले जाओ।
भोलेनाथ के आशीर्वाद से गजमुख बहुत शक्तिशाली हो गया है। उसे हराने में ये भी तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ 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 बिल्कुल। अरे नहीं माँ, उस राक्षस के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। आप परेशान ना हो, मैं जल्दी ही उसे हरा कर आपके हाथों से बने मोदक खाने आ जाऊंगा। वैसे भी लड़ते लड़ते भूख और बढ़ जाएगी। गणेश जी, आप जिद मत करिए, अपनी माँ का कहा मान लीजिए। गजमुख बहुत ही शक्तिशाली है। हाँ गणेश जी। सब शांत हो जाइए, मुझे गणेश की बुद्धिमानी और शक्ति पर पूरा विश्वास है, ये अकेला ही उसको हरा सकता है। जाओ बेटा, मेरे आदेश का पालन करो। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। अच्छा, तो सारे राक्षस यही हैं। पहले इनसे निपटता हूँ। मुझे पकड़ो, मैं आओ, 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 आओ। तो बड़े बड़े शूरवीर देवता और दानव भी नहीं हरा पाए। तुम तो अभी छोटे से बच्चे हो, तुम्हारे लिए तो मेरा एक राक्षस ही काफी है। गजमुख, तेरे राक्षस दोस्त तो पहले ही मुझसे टकराने की सजा पा चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। नादान बालक गणेश, तुमने मेरे राक्षसों के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते। मुझे वरदान है कि कोई भी देवता, मनुष्य या दानव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हा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 ह
गजमुख, लगता है खेल बहुत हो गया। अब जरा तुम्हारी अच्छे से धुलाई होनी चाहिए। तुम्हें जो वरदान मिला है मैं उससे परे हूँ, क्योंकि मेरा शरीर आदमी का है और सर हाथी का। नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा क्या? मेरे कान। मेरे कान। प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं कभी भी कोई बुरा काम नहीं करूँगा और हमेशा के लिए अपने इस रूप में आपके चरणों का दास बनकर रहूँगा। चलो ठीक है, वैसे भी तुम पर सवारी करके मुझे बहुत आनंद आया। आज से मैं तुम्हें अपना प्यारा सा वाहन बनाता हूँ। क्यों, मुझे फिर से झुलाओगे ना? जैसी आपकी आज्ञा, बस एक कृपा करना, मेरे कान मत खींचना, वैसे ही बहुत लंबे हो चुके हैं। आइए बैठिए। चलो मेरे मूषक राज। दोबारा से वही राक्षस बनने का मन तो नहीं कर रहा है? नहीं 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 प्रभु, मैं ऐसे ही आपके चरणों में रहकर ठीक हूँ। वैसे भी पहले मैं कितना भयानक था, अब तो मैं कितना खूबसूरत हो गया हूँ।